अंबाला के गांव दुखेड़ी में फैली दहशत, शाम से पहले ही अपने घरों में बंद हो जाते हैं लोग। गौर से देखिए इस शख्स को, सफेद धोती कुर्ते में सादा सा दिखने वाला शख्स ही है ग्रामीणों के खौफ की वजह। दरअसल अंबाला के गांव दुखेड़ी में इन दिनों दहशत का माहौल बना हुआ है। रोज आधी रात के बाद एक शख्स सफेद धोती कुर्ता पहने और सिर पर लोहे का जाल में हेलमेट लगाए नंगे पांव पूरे गांव में घूमता नजर आता है, जो कि एक के बाद एक घर में सो रही महिलाओं पर वार करता है। बताया जा रहा है कि ये व्यक्ति पहले मंदिर और खेड़े में दिया जलाकर पूजा करता था और उसके बाद लोगों के घरों में घुसकर महिलाओं पर हमला करता है। जैसे ही लोग इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, ये तुरंत उनकी आंखों के सामने से ही गायब हो जाता है। रोज रोज घट रही इस अजीबोगरीब घटना से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है, तो वहीं इस शख्स की तस्वीर गांव के चौक चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हो गई। फिलहाल डरे सहमे ग्रामीणों ने पूरे गांव की ठिकरी पहरा लगाना शुरू कर दिया है। पहले दिन जो 26 तारीख को रोड़ा हुआ, वो हमने देखा हमारे शमशान घाट में बढ़िया वो आके उसके पीछे डंडे लेके गंडासियाँ लेके 15-20 लड़के लगे हुए थे और वो ऐसे झुंडों में बढ़िया कहीं अड़ो पे गया, मिला नहीं। उसके बाद हर रोज पहरे लग रहे हैं और काम चल रहा है पर पकड़ में नहीं आ रहा। इस तरीके का दिखता है क्या? लगता तो ऐसा है कोई 5.5-6 फुट का भैया टाइप सा लगता है, लुंगी टाइप है जी, पैरों से नंगा लगता है और सिर पे कोई जाल वगैरह सा ले रखा है उसने, लोई पहनी हुई है, नीचे टांगे नंगी हैं बिल्कुल, पकड़ में नहीं आता, बस डरता नहीं। एक बार रौला पड़ गया फिर तो आदमी के उसमें दिमाग में डर बैठ जाता है, पर वो हर रोज आ रहा। वो काले कपड़े में कपड़े मुँह से लपेट कर रखा, कैबरी ही पहन रहा और बच्चे भागा भी उसके पीछा, अड़ोप हो जाओ एकदम, कई दंते गोमा पैरा भी ले रखा सरपंच ने और वैसे भी लोग पैरा दे रहे उसका और कई और तबा झपट मार ली उसने रात के समय में, रात के 12-1 बजे कोई पहचान नहीं हो रही उसकी। गोमा कैमरे लग रहे, कैमरे में आवाओ और उनने मुंह पर कपड़ा बांध रखा। कहाँ आता है कहाँ जाता है उसका जो कोई पता नहीं, किंग आ जाओ मंदिर शमशान कहीं और, शमशान नहीं गो में देखा कहीं और, तब उसने झपट भी मार ली, जैसे कि कोई कह रही मेरा थप्पड़ मार गया, कोई कह रही मेरे कपड़े खींचा था, घर में भी घुसाओ लवे लवे के गौते बाहर जहाँ भागने का रास्ता हो और कोठे पर चढ़ जा, उसने ये भी पता भी कहाँ चढ़ना और किसके घर मन पोड़ साड़ पर उतर जाना, ऐसे रास्ते का भी पता नहीं। वहीं कुछ ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने इस अजनबी शख्स को शमशान घाट में भी घूमते देखा है और जब ग्रामीणों ने उसका पीछा किया तो वो देखते ही देखते गाड़ियों में कहीं उछल हो गया। तो वहीं इस मामले में सरपंच का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। गाँव के अंदर मकानों के ऊपर जो वाल्मीकि बस्ती है वहीं कहीं पर ही नजर आया, लेकिन आज तक पकड़ा नहीं गया। पुलिस को भी हमने इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी, पुलिस भी रात को गश्त पे आती है, सारा गांव लगा हुआ है उसको पकड़ने के लिए, लेकिन पता नहीं क्या ऐसी शक्ति है, दिव्य शक्ति है उसके पास जो हमारी पकड़ में नहीं आ रहा। दिखने में कैसा है, क्या कुछ पहन के निकलता है? जो पहले दिन की है, हमने 26 तारीख की उसकी फुटेज है हमारे कैमरे के अंदर, हमने गाँव में कैमरे लगा रखे हैं ग्राम पंचायत ने, तो उसके अंदर उसने एक लुंगी लगा रखी है, खाली पैर आता है, पाँव खाली आता है डेली, तो और एक सफ़ेद सी कमीज थी, ऊपर उसने अपने सिर के ऊपर जैसे गन्ना बांधने वाले लोग होते हैं ना, गन्ना बांधते हैं जाल बांधते हैं, लोहे की जाली मुंह पे लगाई हुई होती है, ऊपर उसके अपने एक चद्दर सी है क्रीम से कलर की, काली नजर आती है, तो रखते एक हाथ में पता नहीं क्या है उसके, वो नजर नहीं आया। फिलहाल सरपंच ने तमाम ग्रामीणों को एहतियात बरतने की हिदायत दे दी है। तो वहीं दूसरी तरफ गांव के सभी नौजवान ठिकरी पहरा लगाकर लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं और पुलिस को भी इस बारे में जानकारी दे दी गई है। अब इस शख्स की गिरफ्तारी के बाद ही पूरे राज्य से पर्दा उठ पाएगा। अम्बाला से अमन कपूर, पंजाब के सिटी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।